नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी का एग्जाम्पलर में से जो सीबीएसई ने दिया है। स्ट्रेटजी याद रखनी है कि मेन वर्ड को अंडरलाइन या सर्कल करना है, और ये भी याद रखना है कि ये आपकी एबिलिटी है, डिपेंड करता है। अगर आपने सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ा है और मेजर कंसेप्ट है, उसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा कि मेजर कंसेप्ट एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स कौन से हैं। ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो हमेशा टीचिंग एप्टीट्यूड के, अच्छे स्कूल के, अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, अच्छे टीचर के लिए फेवरेबल हैं। ठीक, वो वर्ड आपको ढूंढने आ गए तो आप स्टेम वे से इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये बड़ी स्टेम है, सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन को समझना है। कई बार सिचुएशन में होता कुछ नहीं है, एक या दो वर्ड होते हैं, हम वो ढूंढने लगे हैं। फर्स्ट, द टीचर वाज ऑब्जर्विंग विनोद, एक बच्चा है, एज ही वॉज एंगेज इन मेकिंग मॉडल, वो मॉडल बना रहा है। अपने ब्रेन में इमेज बना लो, अगर आपने बी एड में या डी एल एड में मॉडल बनाया है, शायद बनाया हो, लेकिन हालात तो खराब है, शायद बनाया हुआ देखे तो होंगे ना आपने कि मॉडल कैसा होता है। वो दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, बाकी चीजें आपको मैं यहां दिखाऊंगा। तो मॉडल बना रहा है, मॉडल वॉज रेप्लिका कॉपी है एक सिटी की, कोई भी सिटी, अपनी सिटी आप सोच लो। तो विनोद हैड बिल्ड ए न्यू मोनोरेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, दो चीजें आपके सामने रख दी है, हो सकता है आप इसमें उलझ जाओ, उलझना नहीं है। मोनो नहीं पता तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेल सिस्टम आपको पता है। ठीक, फॉर एग्जांपल ये लगा लीजिए, ये एक स्क्रीन जो सिटी है, एक स्टेशन इधर से इधर को जाता है, एक इधर से जाता है, यहाँ स्टेशन है, यहाँ स्टेशन है, यहाँ स्टेशन है, यहाँ से यहाँ स्टेशन है। ओके, तो ऐसे क्या डिफिकल्ट है कुछ, ये जंक्शन हो गया ऐसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दो टर्म पहले आपको क्लियर कर दूं। मोनोरेल एग्जैक्टली सिस्टम क्या होता है जरूरत नहीं है, फिर भी इसको रब करता हूं, एक मिनट, ये आगे चलते हैं। मोनोरेल जो छोटी सी रेल है, मोनो मीन वन, ओनली सिंगल, अकेली। मोनो डायलॉग आपने सुना है, एक सॉरी मोनोलॉग, एक तो डायलॉग, और डायलॉग दो जनों में होता है, मल्टीलॉग दो से ज्यादा जनों में होता है, मोनो एक, मोनोपली एक, मोनो मीन एक। ओके, तो ये रेल होता है, समझने। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके टर्म किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक पाउडर होता है, उसको पानी डाल के लिक्विड बना के उसको आप कोई भी शेप दे सकते हो। वो ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या कर रहा है कि एक जो जंक्शन है ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा है। इतना बड़ा मॉडल वैसे वेरी डिफिकल्ट, कैसे बनेगा, कैसे सिचुएशन दी हुई है, कोई बात नहीं, आप इमेजिन कीजिए। तो ऐसा मैप उसने क्या किया, विनोद ने, ये विनोद है, मैंने बड़ा क्यों बनाया, ये विनोद है, ठीक है, ये उसकी आंखें होंगी, ये नाक हो गया, सोना है। बड़ा क्यों बनाया कि ये उन्होंने, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मेंटल मैप, ही हैड क्रिएटेड ए मेंटल मैप। माइंड में किसका मैप, वो रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो जो मैप है मान लीजिए अंदर बना रहा है, अंदर सोच रहा है, विजुअल कर रहा है अंदर अपने माइंड में कि ये ऐसी सिटी है, यहां पर एक जंक्शन होगा, इधर को ये स्टेशन है हमारी सिटी का, ये जंक्शन होगा, और ये यहां से इधर को एक ट्रेन यहां जाएगी और एक ऐसे जाएगी, ऐसे जाए, ये माइंड में बना रहा है सारा, माइंड में ये इधर से यहां तक पहुंच गई, ये यहां से इधर को यहां तक आ गई, ये यहां तक आ गई। ओके, कोई भी ऐसा मैप बना लिया माइंड में। ठीक, अब उस माइंड में जो अपने माइंड में विनोद ने मैप बनाया है, वही वो बाहर निकालेगा, अप्लाई कहां करेगा, ये देखिए, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड इनटू मॉडल, जो मॉडल वो बनाएगा, मॉडल जो बनाएगा, ये कंक्रीट मॉडल है, याद रखना, ये बाहर है, एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है माइंड में, ये कंक्रीट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, ये माइंड है, ये मैटर है,
ये बातें याद रखनी है, जब भी एक्सटर्नल कंक्रीट मैटर होता है आप बाहर हो, बाहर का मतलब है सेंसेस से आप उसे टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट को आप ना तो देख सकते हो ना टच कर सकते हो, माइंड में आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्या कर रहा है, मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, ही हैड क्रिएटेड मेंटल मैप एंड ट्रांसलेटेड इट इनटू रेप्लिका, यो वो जो जंक्शन है सिटी का वो बना दिया, ये लिखा हुआ है। विनोद रिप्रेजेंट एन एग्जांपल विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक, अगर आपको मीनिंग पता है ठीक है, ये स्टेम मैंने समझा दी है। अब देखना है नेक्स्ट चलते हैं कि किन्स्थेटिक इंटेलिजेंस, पहला जब भी किन्स्थेटिक इंटेलिजेंस सामने आए आपने, ये आ गया किन्स्थेटिक इंटेलिजेंस नंबर वन, बॉडी, बॉडी याद रखना है, बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स को नंबर एक अंडरस्टैंड करना, आप अपनी बॉडी मूवमेंट को अंडरस्टैंड करोगे प्लस कंट्रोल करोगे, नहीं तो स्पोर्ट्समैन क्रिकेटमैन जो भी स्पोर्ट्स आपको अच्छी लगती है उसको याद रखना है कि ये। दूसरा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इससे साथ रिलेटेड ही है इमोशनल इंटेलिजेंस, तीन चार कंस्ट्रक्ट हैं जो साथ साथ में हम लर्न कर सकते हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए ये रहा एक शख्स और ये रहा दूसरा शख्स, जब हम समझने लगे हैं इंट्रा को, ये रहा इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा मीन विद इन, विद इन, ओके, इंटर मीन विद आउट, ओके, जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है उसमें शख्स समझता है अपने आप को, सेल्फ को समझने की कोशिश करता है, ये अपने आप को, सेल्फ को, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स, अगर और कुछ नहीं याद रहता आपको याद रखना चाहिए कि आपकी अगर इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा है तो आपको आपके बारे में बहुत ज्ञान होगा, अदरवाइज बच्चों को पूछ लीजिए उनको ये नहीं पता उनकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता होनी चाहिए, आपके इमोशंस क्या है, आपको गुस्सा कब आता है, आप सबसे अच्छा काम कब कर पाते हो, आप अपनी एनर्जी कैसे सेव कर पाते हो, ये सारी बातें अपने बारे में, मैं कब थकान महसूस करता हूँ, मैं कैसे खाने से मैं कैसा रहता हूँ, मैं कैसे खाने से बीमार हो जाता हूँ, कितनी इंफॉर्मेशन आपके बारे में है सेल्फ, अपने बारे में, किसी के नहीं, इंट्रोस्पेक्शन से जहां सेल्फ रिफ्लेक्शन, दो शब्द याद रखने हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इंटर की बात है जब ये शख्स इनके इमोशंस को, इनके मूड्स को, इनके इंटरेस्ट को फेस रीडिंग से पता चल जाए इनको कि इनको गुस्सा आया है, ये नाराज है, ये उदास है, तो दूसरा जब पता चल गया इंटर का, इनकी रीडिंग कर ली इन्होंने फेस की, इमोशंस की, है ना, तो उसके बाद ये रिएक्ट भी करे उनको ठीक करने के लिए, ये हो गई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरैक्शन से एक से दो से ज्यादा जनों में ये इंटरैक्शन में से होगी, ये इंटर हो गया यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, बड़ी अजीब बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस जब इंट्रा प्लस इंटर को कर दिया जाए ये दोनों मिलके बन गई इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब जो शख्स जो वो एबिलिटीज जो आप अपने बारे में भी आपका ज्ञान हो, अपने इमोशंस के बारे में, मूड के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, और दूसरे के इमोशंस मूड्स फीलिंग के बारे में, और इन दोनों का पता होने के बाद इनकी मैनेजमेंट ऐसे अच्छी तरह से कर ले कि एक अच्छा रिलेशन बन जाए, पॉजिटिव इमोशन सामने आए, हैप्पीनेस सामने आए, मेंटल हेल्थ बेटर हो, वो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, अपने इमोशंस और दूसरे इमोशंस को समझ के। तो ये देखिए कि क्या यहाँ पर विनोद मॉडल बना रहा है,
और एक माइंड में मैप बनाया है, उस माइंड में मैप बना के रेलवे का बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के वो मॉडल बन गया। तो यहाँ इमोशन कहाँ आ गए, यहाँ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कोई और तो इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा, उन्होंने तो कहा ही नहीं है, उसको पता चल गया कि टीचर उसका गुस्से में है तो उसे ऐसे बोलना चाहिए, तो फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाती। तो किंस्थेटिंग डूइंग, हाँ डूइंग फिर भी कर रहा है कि उन्होंने मॉडल बनाने हैं, लेकिन फोकस इनका किस पर है, मेंटल मैप पर। तो मेंटल मैप के लिए लास्ट एक ऑप्शन बचता है, वो देखते हैं वो इंटेलिजेंस क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसको विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी टू जनरेट, रिटेन, रिट्राइव, ट्रांसफर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड विजुअल इमेज। वही आप अपने माइंड में इमेज किसी बाहर की चीज की बहुत अच्छी तरह से बना रहे हो, उसको मैनिपुलेट इधर उधर हिला लो अच्छी तरह से माइंड में। ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये दिमाग है, कंक्रीट है, माइंड आप नहीं देख सकते। आइडियाज में जाके आप सब कुछ कर सको, इमेज एक बना सको, उसका विजन ले सको और उसको असली चीज में कन्वर्ट कर सको, ये स्पेशल इंटेलिजेंस है। अच्छा क्या करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ऐसे बच्चों के जिनकी स्पेशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, दे एक्सेल, वो आगे बढ़ जाते हैं। मेंटली मैनिपुलेटर, माइंड में जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है वो अच्छा वो कर लेते हैं, ड्राइंग उनकी अच्छी होती है, आर्ट एबिलिटी जैसे ईशान की तारे जमीन पर थी वो होती है। अच्छा विजुअलाइज स्पेस कर सकते हैं कि इस कमरे में कितनी कुर्सियां आएंगी, अच्छा इस हॉल में कितने टेबल लग सकेंगे, ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं वो। डिफरेंट एंगल से सोच सकते हैं किसी स्पेस के बारे में, सिंपल है, स्पेशल इंटेलिजेंस स्पेस और विजन के बारे में है जो माइंड में बनाती है, डायरेक्टली मैच कर रहा है उसकी डेफिनेशन से। तो हमारा आंसर स्पष्ट है कि क्या होगा। स्पेशल इंटेलिजेंस की और भी एग्जांपल हैं, नेट पर भी पड़ी हुई हैं, ऐसी एक्टिविटी जो करते हैं स्पेस रिलेटेड ही है कि तीनों डायमेंशन में आप कैसे सोच लेते हो, पहले अंदर सोचोगे फिर बाहर उसको ट्रांसलेट करोगे, जैसे स्टेम में क्वेश्चन में बोला गया था। तो सारी इंटेलिजेंस को आपने समझना है तो इन वर्ड्स को याद रख सकते हो, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वर्ड, ओके, लॉजिकल मैथमेटिकल अगर पूरी लिखते हैं, रीजनिंग नंबर, इससे नंबर रिलेटेड, स्पेशल पिक्चर, स्पेस, विजन, तीन बातें याद रखनी है, स्पेशल, पिक्चर स्मार्ट, विजुअल और स्पेस, स्पेशल स्पेस नंबर वन पर रखना चाहिए। स्पेस रिलेटेड कोई भी आपको प्रोफेशन बीच में दिया जाता है, जैसे वो पायलट की एक बार क्वेश्चन आया था तो उसने स्पेस में काम करना है, स्पेस में सोचना है, स्पेस रिलेटेड थिंकिंग चाहिए। बॉडीली किंस्थेटिक, उन्होंने बॉडी नहीं डाला, आपने बॉडी खुद लगा लेना है, जब भी किंस्थेटिक शब्द आए, किंस्थेटिक लर्निंग स्टाइल आए, आपने यही सोचना है कि बॉडी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, मूवमेंट्स है, उनको समझना। म्यूजिकल क्लियर है, इंटरपर्सनल हो गया है, तो इंट्रापर्सन वो भी बात हो गई है, नेचुरलिस्टिक नेचर है, कोई भी और ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है, साफ ही उत्तर साफ ही पड़े होते हैं उनमें, अगर उनको उनके रिलेटेड शब्द आपको पता है। लेकिन अब की बार सिचुएशन दी जाएगी, सिचुएशन में आपने एक ऐसा वर्ड ढूंढ लेना है, दो वर्ड ढूंढ लेने हैं, कोई वाक्यांश ढूंढ लेना है जो अंडरलाइन करके जिस पर सोचना है और आपको उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे, दैट इज वाई मेरी क्लिप भी मूवी भी लंबी बन रही है, उनमें कंसेप्ट क्लियर क्लैरिटी की बात ज़्यादा करता हूँ। आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। फॉर एग्जांपल रिमेम्बरिंग से अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है तो सिचुएशन दी है आप अप्लाई कर सकोगे, इसलिए मेरे एक क्वेश्चन पर वीडियो कोई लंबा बन जाता है। थैंक यू।